आपके विषय में कुछ एक मिनट में मतलब बताने की कोशिश करिए कि आप जर्मनी कैसे पहुंचे। मेरा नाम मनोहर गावा है और मैं मेरा जन्म अफगानिस्तान के कंधार शहर में हुआ और पीछे से हम शिकारपुर सिंध से हैं, सिंधी। और मेरे दादा जब वहाँ विभाजन हुआ 1947 में, तो मेरे दादाजी जो वहाँ पे हमारा कारोबार था, हमारी जायदाद थी, हमारे जो भी था, वो सब जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग हमारे रिश्तेदार चले गए बॉम्बे दिल्ली और कुछ लोग भागे, तो हमें अफगानिस्तान नज़र आया साथ में। तो मेरे दादाजी वहाँ से पलायन करके जैसे तैसे जान बचाकर ये कंधार पहुँचे, क्योंकि कंधार वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। तो मेरा जन्म विभाजन के 10 साल बाद 1957 में हुआ। तो मैं 1 साल का था तो उस समय मेरे फादर मूव कर गए काबुल। तो काबुल में मेरी पढ़ाई हुई, मैं वहाँ पे पला बड़ा। तक समझ पाया हूं 1947 के पार्टीशन से पहले आप अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट हैं। 47 का डिवीजन हुआ, डिवीजन में जो मारकाट हुई उससे बचने के उद्देश्य से जब वहां से आप चले तो आप अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए, हिंदुस्तान में घुसने के बजाय अफगानिस्तान में घुस गए और वहां से फिर दोबारा अवसर आपको नहीं मिला कि आप भारत में आ सकें। वो चाहे जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान से जोड़ता है भारत को, वो हिस्सा चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो अफगानिस्तान का सीधा बॉर्डर भारत से नहीं लगा, मतलब कनेक्टिविटी समाप्त हो गई और फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाई। क्योंकि जो लोग माइग्रेट किए होंगे उस अफरा तफरी में, पहले तो वो अपने परिवार को ही संभाल लें, ये पहली प्राथमिकता रही होगी, उसके बाद इंडिया चलेंगे, तो फिर वो अवसर नहीं मिला और वहां से फिर आप जर्मनी की तरफ आपकी यात्रा कैसे हुई ये मैं जानना चाहता था। हाँ, तो वहाँ पे मैं पला बड़ा और उसके बाद मैं 2 बार फौज में भी रहा हूँ अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अफगान हिंदू थे उनको भी कंपलसरी था, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं उनको 1 साल और जो नहीं है उनको 2 साल फौज में जाना होता था। तो उस समय क्या हुआ कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, मुजाहिदीन और रशियन आपस में जब लड़ रहे थे, तो हम एज अ माइनॉरिटी वहाँ पे मैं था, तो दूसरी बार मुझे भी जाना पड़ा। मुझे 3 साल का गैप मिला और दूसरी बार जब मैं फौज में गया तो उसके बाद मैं ही नहीं बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग फौज में गए, तो उस समय मुझे और ज्यादा मैं नहीं कर सकते थे वहाँ पे, बहुत जंग की हालत थी, झगड़ा था बहुत, मेरे 2 छोटे बच्चे थे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को लेके मैं अफगानिस्तान से निकला और चमन के रास्ते मैं गया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जाके मैं इंडिया और इंडिया से हम आके जर्मनी में बस गए। ये 1985 की बात है। नहीं तब आपसे किसी ने वीजा नहीं मांगा, आप ये जो पाकिस्तान घुसे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आए नहीं और नहीं कुछ हिंदुस्तान भी नहीं, से। सब कुछ वहाँ पे चलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, तो हम वहाँ तक पहुँच गए। तो ये तो चलता रहता है वहाँ पे और हमेशा, फिर आप वहां से जर्मनी चले गए। फिर वहाँ से हम जर्मनी चले। तो ये हमारी कहानी है कि हम जैसे तैसे जर्मनी पहुँच गए और अब हमारे, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी थी, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे अफगानिस्तान में कैसी कौन कौन से लोग रहते हैं, इसकी अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, अगर पूरे हम तारीख को या इस हिस्ट्री को और जियोग्राफी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आपको तो बेहतर मालूम है। पहले मैं हम जियोग्राफी में जाते हैं, कश्मीर से लेके अगर हम ईस्टर्न की तरफ से, वेस्ट की तरफ से जाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम पश्तूनिस्तान बोलते हैं, उससे नीचे आके बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से नीचे आके ग्वादर पोर्ट तक पहुंचते हैं, एक ही रास्ता है ऊपर से नीचे तक। अगर हम ईस्ट साइड में लेते हैं तो कश्मीर से लेके आप पूरा पंजाब क्रॉस करके सराइक और फिर सिंध और फिर आप पहुंचते हैं कराची बंदरगाह में, ये पूरा क्रॉस होता है डिवीजन। इस तरफ दो और इस तरफ दो, चार जो इनके बेस हैं, सिंध, पंजाब, पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान, ये चार सूबे जो उनके हैं। तो ये हम लोग जो हैं इंडूज वैली के जगह से, जहाँ पे ऊपर पंजाब है, बीच में सराइक है जो अभी तक अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, अभी तक बना नहीं है सराइक लेकिन बहुत सारा एरिया है, उसके नीचे शुरू होता है हमारा सिंध। और यहाँ सिंध पे बिल्कुल बीच में
नॉर्थ में शिकारपुर, खैरपुर और लड़काना आता है जहाँ पे बाबा नानक भी वहाँ पे पैदाइश थी। तो ये हम इसी वैली से आते हैं और ये तीन सभ्य ग्रुप जो हैं, पंजाबी सभ्यता भाषा के साथ, सराई की सभ्यता अपनी भाषा के साथ और सिंधी सभ्यता अपनी भाषा के साथ, ये खास करके इस एरिया से हमेशा पलायन हुए हैं, गए हैं अफगानिस्तान में। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि कैसे अब हिस्ट्री में अलग अलग समय पर इन इंडस वैली के अलग अलग शहरों से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में बस गए। तो कोई 200 साल पहले आया है, कोई 300 साल पहले आया है, कोई विभाजन के समय आया है। तो ये सारे लोग अब एक साथ नहीं कह सकते कि सभी एक साथ आए हैं या सभी पहले से ही थे, बल्कि हर किसकी अपनी अपनी एक कहानी है। तो हर कोई अलग अलग समय में अलग अलग उस समय के भारत के अलग अलग शहरों से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लाए गए। इसका रीजन भी ये है कि अफगानिस्तान के लोग समय उनको कुछ नहीं आता था, न उनको हेल्थ सिस्टम था, उनके पास पढ़ाई करने जाने का सिस्टम था, न उसको उनको काउंट करना आता था। उनको अपनी बिजनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए आयुर्वेद वहाँ आया। उनको थोड़ी सर बात मुझे लगता है कि हम अगर उस हिस्ट्री में जाएंगे तो सारा समय उसी में जाने वाला है। वो बहुत लंबी हिस्ट्री है और महाभारत काल से उठाएंगे तो ये सारा फिलॉसफी जो हम लोग करते हैं वो सब रॉन्ग साबित हो जाती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान ही था और वो गंधार हुआ करता था। इसलिए वो विषय कैसे हम पहुंचे, क्या पहुंचे, आज का जो विषय है वो मुझे लगता है कि आपका ये है कि जर्मनी से भारत में आने का जो रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं जो अफगानिस्तान से गए, भले ही वो जर्मनी छोड़ दीजिए पूरे यूरोप की बात कर लेते हैं, तो यूरोप में भी जिनके पास वहाँ का पासपोर्ट है और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो कुछ आप इशू बता रहे थे कि उसमें कुछ कंसर्न है, तो उसके विषय में मैं जानना चाह रहा था कि आखिर क्या विषय हैं वो। बिल्कुल, आज का रिसेंटली हमारा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब से तालिबान सरकार आई है, एक साल कुछ ज्यादा से, तो उस समय मैं समझ सकता हूँ कि जो पॉलिसी है भारत सरकार की, तो मुसलमानों के साथ साथ, क्योंकि हम अफगानी हैं, अफगानी पासपोर्ट होल्डर हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के अफगान हिंदू, तो उनको भी ये वीजा नहीं मिल रहा है। हमारा कहना ये है आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि हम अफगानिस्तान के हिंदू जो हैं, हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है भारत से, हमारा धर्म वहाँ से जुड़ा हुआ है, हम वहाँ पे तीर्थ यात्रा करते हैं, हम हमेशा हमारी बुजुर्गों की हमारी हस्तियाँ आती हैं वहाँ पे, हमेशा हमारा रिश्तेदार हमारे वहाँ पे रहते हैं, हमारा क्या नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ पे, हमारा सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। हम पहले हमेशा आते जाते रहते थे, लेकिन पिछले एक साल से बहुत सारी यहाँ पे लोगों के घर में मौतें हुई हैं, उनके हाथ में हस्तियाँ पड़ी हुई हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं। अब कहते हैं ना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की भी मजबूरी होगी, मैं हम भारत सरकार के संविधान का भी हम आदर करते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज हैं, उनका भी हम आदर करते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम अफगान हिंदू को एक ही तराजू में ना तोला जाए, हमको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स अलग है। हम बिल्कुल अपने आप को भारतीय मानते हैं, चाहे किसी समय भी हम गए हों तारीख के, अगर हम हिस्ट्री को उठा लें, तो हमें ये हमारा ये हक है, हमें ये हक मिलने के लिए मैं आपसे आपका तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना प्लेटफॉर्म हमारे लिए हमें इजाज़त दी कि हम आके आपके प्रोग्राम में आप हमें थोड़ा मदद करेंगे। और आप तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आप तो सब जानते हैं, आप हमें थोड़ा एडवाइस भी करेंगे और भारतीय भाई बहनों को भी दे रहा हूँ कि वो भी हमारे सपोर्ट में थोड़ा आए, और भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत उम्मीदें हैं हमें मोदी सरकार से, कि वो हमारी इस मुश्किल को थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे और हमें इस हालत से बचाएंगे। हमें हमारा सब कुछ वहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा हमें हमें यात्रा करनी होती है, तीर्थ यात्रा करनी होती है, हमें शादियों के लिए इवन हमें वहाँ शॉपिंग तक वहां से करते हैं, हम अपनी मूर्तियां, अपने पोस्टर, अपने जो भी जो असेस हैं हमें चाहिए, हमें सब कुछ हम वहां से लेते हैं। पिछले एक साल 1.5 साल से हमें वीजे नहीं मिल रहे हैं, अफगान
पासपोर्ट पे तो इसी ये फिलहाल का ये इशू है, ये एक इशू है। नहीं, उसके मेरे को साथ लगता है कि क्या तालिबान का कब्जा होने के बाद से ये समस्या शुरू हुई। बिल्कुल, ये वीजे का एक चक्कर वहीं एक से मुझे है। लगता है कि एक तो बड़ी समस्या ये रही होगी क्योंकि तालिबान सरकार को अभी भी भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इंटरनेशनल पॉलिसी में एक बड़ा इशू रहता है रिकॉग्निशन। हम किसी भी कंट्री के साथ अगर उनके वीज़ा को आसानी से ले लेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन के, थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन मतलब यहाँ जो थर्ड पार्टियाँ रहती हैं वो कंट्री रहते हैं, तो या तो जिस कंट्री के माध्यम से आप आ रहे हैं या कोई आ रहा है तो वो कंट्री उस पर अपना टैग लगा कर दे और वो गवर्नमेंट से बात करे। नहीं तो अफगानिस्तान को हमने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान छोड़कर संसार के किसी भी कंट्री ने अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक ने किया, टर्की ने किया है शायद। तो रिकॉग्निशन की एक बड़ी समस्या होती है। आपको सीधा वीजा अगर हम दे देते हैं भारत में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो फिर हम इनडायरेक्ट वे में अफगानिस्तान की नई सरकार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये एक इशू है। इसलिए ये समस्या आ सकती है। और जिस कंट्री के माध्यम से आप आ रहे हैं वो कंट्री को चाहिए कि जिसने आपको शरणार्थी का स्थान दिया होगा या सिटीजनशिप भी कुछ लोगों को दे ही दी होगी, जैसे आपका तो पुराना इश्यू है आपका पर्सनल, तो आपको तो सिटीजनशिप होगी, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जर्मन सिटीजन हैं, जर्मन सिटीजन को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। नहीं, हमें नहीं है। और होगी भी तो इस समय जो थोड़ा सा इशू यूक्रेन की वजह से चल रहा है उसमें वो डिले हो सकता है, वो उसका डिले जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि इस समय यूरोपियन यूनियन और यूएस ये दोनों ही भारत के जो हमारी तरफ से वीजे लगाए जा रहे हैं वो भी वीजा के 100-100 200-200 दिन और कभी कभी 300-300 दिन का डिले पीरियड है उनका, मतलब वो अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। तो ये वो हमको कहीं ना कहीं प्रेशर में लेना चाहते हैं, भारत को प्रेशर में लेना चाह रहे हैं इस समय कि भारत प्रेशर में आ जाए और जो वीजा नहीं दे रहे हैं उसको ही लेकर भारत किसी तरह से रशिया के अंगेंस्ट में कोई कर दे और अमेरिका के पक्ष में कर दे या यूक्रेन के पक्ष में कर दे। तो उस वजह से वो कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज के इश्यूज हैं, उसको हमारे विदेश मंत्री लगातार उठा रहे हैं। वो अमेरिका में गए थे वहां उठाया, वो यूरोप में भी उठा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा तरीका है कि पाकिस्तान के लोगों का वीजा लग रहा है जो टेररिस्ट कंट्री है पूरा, और भारत के लोगों का वीजा नहीं लग रहा है और 200 दिन का अपॉइंटमेंट टाइम दिया जा रहा है। ये सब कुछ वो बड़े खुले मंचों पर कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि हमारी और उनकी कुछ टशन चल रही है, टशन से मतलब उनकी तरफ से हमें समस्याएं चल रही। तो हमारे यहाँ भी भारत तो आज की तारीख में पुरानी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, और हम टिट फॉर टैट करने वाले हैं। अगर अमेरिका हमको आंख दिखाता है तो अपन आंख दिखाकर बात करते हैं, सम्मान से बात करता है तो सम्मान से बात करते हैं, हमसे जो मित्रता करेगा आंख मिलाकर बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमको आंख दिखाने की कोशिश करेगा। तो हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये आपने इमरान खान के स्टेटमेंट सुने होंगे लगातार कि उनकी वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उनके पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, भारत चाहता है जिस कंट्री के साथ जैसे संबंध चाहता है वैसे अपने हिसाब से बनाता है। तो अगर वो उधर से वीजे की समस्या कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ उसका काउंटर पार्ट चल ही रहा होगा, ये मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन ये जो भारत सरकार का मूड है वो मूड ये बताता है। तो जर्मनी से आपका वीजा लगने में मुझे नहीं लगता कि बहुत समस्या होगी, जो डिले रेगुलर डिले चल रहा है या जो डिस्कोर्स में चल रहा है उतना तो हो रहा होगा, लेकिन समस्या जहां तक आ रही होगी या आ सकती है वो ये है कि जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं और यूरोप के किसी भी कंट्री में उनको शरणार्थी बनाया गया है इस कंफ्लिक्ट के दौरान, तो अब या तो वो कंट्री भारत सरकार से बात करे, मतलब उनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठकर उसको रिजॉल्व करे, और जो लोग भी अफगानिस्तान से वहां चले गए हैं यूरोप के कंट्री में उनकी सिक्योरिटी ये होगी, ये भारत में रुकेंगे नहीं, ये वहां वापस जाएंगे, क्योंकि अभी CAA जो हमने पास किया ना, तो CAA में हमने अफगानिस्तान कवर किया है, लेकिन उसमें उन लोगों को ही कवर किया है जो कि लंबे समय से वहां भारत में रह रहे हैं, भारत में कभी आए और भारत से वो वापस नहीं गए या नहीं जा पाए। लेकिन हम अब नई वो प्रॉब्लम फिर से नए सिरे से आ जाए, क्योंकि भारत सरकार थोड़ी पोलाइट है तो मालूम पड़ा कि यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी बड़ी समस्या हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए हम जब कंट्री वाइज बात करते हैं तो हम फिर वो रिलीजन वाइज बात नहीं करते, कंट्री का मतलब है कंट्री का सिटीजन, आप जर्मन सिटीजन है तो आज आप जर्मन सिटीजन है, ऋषि सुनाक जी भारतीय मूल के होंगे
लेकिन वो आज ब्रिटिश सिटीजन है तो वो ब्रिटेन की बात करेंगे और हम उनसे वैसे बात कर रहे हैं जैसे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हम करते हैं, हम उनको हिंदू होने के नाते बात नहीं करते, और ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। और अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो वो वहां के प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। तो इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं तो हम दो कंट्रियों के सिटीजन होते हैं, ये मेरी रिकॉग्निशन है। मेरी रिकॉग्निशन किसी रिलीजन से है नहीं, रिलीजियस रिकॉग्निशन हमारी अंदर है, कंट्री के अंदर, कि हम कौन है, हम किस मूल को मानते हैं। और रिलीजियस रिकॉग्निशन हमारे शादी बारात में चलता है, हमारे रिलेशंस में चलता है, पर्सनल रिलेशन में। कंट्री टू कंट्री रिलेशंस इंटरनेशनल पॉलिसी पर चलता है, जो मैं समझ पाता हूं। अब उसमें सरकार थोड़ा सा उन लोगों की मदद जो रिफ्यूजीज आ गए हैं, जो किसी तरह से असाइलम लिए हुए हैं, उनको लंबे समय से भी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, अगर वो यहां आ ही गए हैं भारत के, वो ऊपर लोड हैं ही, तो उनको कुछ अधिकार देकर रोटी कमाने खाने की जुगाड़ भी कर दें। क्योंकि हम जो लोग यहां पर आ गए हैं भारत में, चाहे वो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, अब वो यहां पर रह तो रहे ही, लोड तो हमारे ऊपर है ही, हम उनको ना तो मार सकते हैं ना भगा सकते हैं, और हम ले कहां जाएं, ये बड़ी समस्याएं होती हैं। तो उनको मतलब पटिशन के आधार पर, कानूनन आधार पर उनको देते हैं। लेकिन जिन कंट्रियों को हमने रिकॉग्निशन नहीं दे रखी है, जिन लोगों को, जिन जो उन परिस्थितियों में नहीं आते, उनको हम नहीं देते। तो ये एक समस्या वहां की हो सकती है, और वो सिर्फ उनकी होगी जो अफगान सिटीजन हैं, उनकी रिकॉग्निशन की समस्या है। आपके पास ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, ये तो हर कंट्री की, भारत की सरकार की जो पॉलिसी है उसको हम डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कंसर्न होता है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, ये होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम अफगानी हिंदू आपसे आज से नहीं रह रहे हैं, हमारी पासपोर्ट 20 साल, 35 साल, 30 साल पुरानी है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, और वो लोग वहाँ आके ठहरेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि कौन ये गारंटी देगा कि वो वहाँ रह नहीं जाएंगे। मैं गारंटी की बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटीज बनी हुई हैं, हाँ, यहाँ पे सब यहाँ पे रह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लिख के देते हैं कि ये कोई वहाँ रहेगा नहीं। और वो कौन आके, आप सोचिए कि वेस्ट कंट्री से जिसका घर बार सब कुछ यहाँ सेट है, वो कैसे आके वहाँ रहेगा। अगर अफगानिस्तान से आएगा तो मैं बात मानता हूँ आपकी, आके रह जाएगा, या किसी और मुल्क से आ रहा है, यहाँ तो सब कुछ, सबके पास अपने घर हैं, काम है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास सिर्फ इनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो अभी तक उन्होंने ली नहीं है पासपोर्ट। बहुतों के पास है, बहुतों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग, उनका वहाँ आके रह जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आपकी बात मैं ये मानता हूँ, ठीक है कि ये कंट्री टू कंट्री बात होती है, लेकिन इसमें तो ये तो देखा जाता है कि इस कंट्री में कौन कौन रह रहा है, कहीं ना कहीं जाके हमें तो थोड़ा तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि भाई हम अफगानिस्तान, जब ये CAA आया है, इससे थोड़ा सा टच इसमें मिलेगा, जरूर इसलिए मिलेगा कि हम एज अ माइनॉरिटी यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेपरेट देखना पड़ेगा। और अगर ये बोलेंगे कि आप जब, जैसे आपने बोला कि अगर किसी को एक वर्ग को हम वीजा दे देंगे तो फिर हमारी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि अब अफगानी पासपोर्ट को ही ले लीजिए, इंग्लैंड में लंदन की जो कॉन्सुलेट है इंडिया की, वहां पे इनविटेशन पर अफगान पासपोर्ट पे वीजा दे रहे हैं। लेकिन जर्मनी में अगर कोई इनविटेशन के लिए, हमारे अभी हमारा एक विश्व सिंधी सेवा संगम का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो उनके प्रेसिडेंट, उनके चेयरमैन लगे हुए हैं कि हमारे कुछ सिंधियों के लिए इन्विटेशन भेजें ताकि वो अफगानी पासपोर्ट पर जो बैठे हुए हैं वहाँ इन्विटेशन कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं, उनका भी अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि अगर अफगानी पासपोर्ट, लंदन में भी अफगानी पासपोर्ट है और यहाँ जर्मनी में भी अफगानी पासपोर्ट है, ये प्रॉब्लम तो एक ही है, तो फिर वहाँ क्यों हो रहा है और यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंटरनेशनली जब हमने अपनी स्थिति तटस्थ रखी है, मतलब भारत जो है वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना इसमें है ना उसमें। हमने, आपने देखा होगा कि रशिया का एक रेजोल्यूशन अभी परसों आया था UNO में, उस पर हमने एब्सटेन किया है, और उधर से अमेरिका का रेजोल्यूशन आते तो भी हम एब्सटेन करते हैं, क्योंकि हम किसी गुटनिरपेक्ष, मतलब हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में नहीं। लेकिन अब वो दबाव ये बना रहे हैं कि हम गुट में चले जाएं, हम रशिया के अंगेंस्ट में चले जाएं और हम उस तरफ चले जाएं, वो हमारी पॉलिसी में नहीं। वो नेहरू जी बना गए कि हम गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट हैं, हम नॉन अलाइनमेंट हैं, हम किसी के
हम दोनों में से किसी के साथ नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है। तो वो हमारे साथ इश्यू खड़ा कर रहे हैं और उस बात को यश जयशंकर लगातार कह भी रहे हैं, मतलब हमारे विदेश मंत्री जी लगातार हर मंच पर कह रहे हैं भाई ये वीजे के इशू आपकी तरफ से क्यों चल रहे हैं। तो वीजा का इशू सर चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड के साथ या ब्रिटेन के साथ हमारे अच्छे संबंध है बहुत, और ब्रिटेन वाले के हमारे यहाँ से वीजा का इधर से भी कोई इशू नहीं है, उधर से भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ तक कि हम तो ब्रिटेन के साथ ट्रीटी जो करने जा रहे हैं वहां तीन तीन सरकारें गिर गई इसी चक्कर में, भारत के साथ ट्रीटी के चक्कर में तीन सरकारें गिर गई सर। और अभी भी वो जो शैला ब्रेवरमैन है वहां की गृह मंत्री, वो अभी भी स्टेटमेंट दे रही है कि भारत के लोगों को यहाँ पर आते हैं तो ये कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ रहे हैं, या ये वापस नहीं जा रहे हैं, इनके वीजे खत्म हो गए हैं फिर भी वापस नहीं जा रहे हैं, और ऊपर से ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो फ्री वीजा करने जा रही है भारत के लिए, मतलब नो रिस्ट्रिक्टिव जोन करके। तो ये जहां तक ब्रिटेन की बात करते हैं तो उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं इस समय, इसलिए ना उधर से कोई समस्या आ रही ना इधर से समस्या आ रही है, समस्या यूरोपियन यूनियन से आ रही है और यूएस से आ रही है इस समय, और वो लोग वीजे हमारे नहीं लगा रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से समस्या चल रही है सर। वो मुझे लगता है कि जैसे ही शॉर्ट आउट होगी तो ऐसी सिचुएशन में आपको जरूर गंगा दर्शन करने को मिलेगा और निश्चित रूप से भारत भूमि, भारत की मिट्टी आपको मिलेगी। लेकिन अभी जब तक इशू चल रहा है तो उसका जो सोल्यूशन है मेरी नजर में, जहां जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि उधर से जर्मनी और भारत सरकार के बीच में वार्ता होनी चाहिए। तो जो लोग भी वहां जर्मनी में रह रहे हैं वो लोग वहां जाकर जर्मन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिलना चाहिए, उनके सामने एक डेलीगेशन जाना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भारत सरकार से आप रिक्वेस्ट करें। और चूंकि हमारे विदेश मंत्री तो लगातार टूर पर हैं, विदेश मंत्रालय हमारे यहाँ का इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग चल रहा है भारत का, हम मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि हमें विदेशों में ही भारत की सरकार चलानी है विदेश मंत्री को। तो विदेश मंत्री हमारे इस समय कोई भी इशू आता है, कोई कंसर्न आता है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, वो 24 आवर्स फॉरेन पॉलिसी पर है, वो इंडियन पॉलिटिक्स से उनको मतलब नहीं है। जनरली होता ये था कि फॉरेन मिनिस्टर भी होता था तो वो इंडियन पॉलिटिक्स में उलझा रहता था, अभी मोदी जी ने जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रखे हुए हैं उनको भारतीय पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो राज्यसभा उनको भेजा गया है, यहाँ उनको ना चुनाव लड़ना है ना यहाँ कोई नाली नाला बनवाना है और ना ही रोड बनवानी है, उनको जो भी करना है वो विदेश में करना। तो जैसे ही डेलीगेशन बात करना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्री, और चूंकि हमारे विदेश मंत्री केवल विदेश मंत्री नहीं है या फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी भी थे, तो फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी मतलब इनको कार्यान्वित करना भी आता है, एग्जीक्यूशन भी आता है और पॉलिसी भी आती है। तो ये जनरली पूरे विश्व में ऐसे विदेश मंत्री होते नहीं और हमारे पास कभी नहीं रहे, इस बार का जो विदेश मंत्री हमारे हैं वो दोनों जानते हैं कि कैसे टैकल किया जाएगा सेक्रेटरेट को और कैसे पॉलिसी बनती है क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अगर जर्मनी की तरफ से कुछ इनिशिएट हो इस तरह का कि भाई ये नहीं हो पा रहा तो दोनों फॉरेन मिनिस्ट्री बैठकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है चूंकि वो पार्टिकुलर कंसर्न में रखे हुए हैं कि हम यूक्रेन का साथ दें तो ही वो हमसे ये सब इश्यू शॉर्ट आउट करेंगे, तो सर इसमें तो फिर सफर सभी को करना पड़ता है। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीच में हम बेचारे मारे गए, ये ऊपर पॉलिसी चल रही है सोवियत यूनियन के और यूक्रेन के मसले को लेकर, और बीच में हम हमारी माइनॉरिटी जो है हम बीच में पिस गए, और ये अगर थोड़ा समय होता तो हम थोड़ा कहते हैं चलो भाई हम थोड़ा और इंतजार करते हैं, अब ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कब होगा, ये कब होगा। अगर अगर हमें कोई कह दे कोई तीन महीने आप ठहर जाओ हम कर देंगे या छः महीने, अब हमें पता नहीं कि कब होगा ये कैसे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा हम क्या कहते हैं। अच्छा सर, दूसरी एक और समस्या है भारत के साथ कि हम वीजा दे भी दें, हम ये मानकर चलते हैं कि संसार का हिंदू अगर कोई तीर्थ स्थल जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो देखेगा तो हिंदुस्तान की तरफ या नेपाल की तरफ, ये दो ही कंट्री हैं जहां पर उसकी मेजोरिटी है, जहां पर अभी धर्म को जिंदा रखा गया है, तो वो तो वहीं देखेगा अपनी मतलब पूर्वजों की भूमि ही नमन करेगा, कानूनन जो करेगा वो तो उस कंट्री के लिए करेगा जहां वो बैठा हुआ है, जहां का उसके पास पासपोर्ट है। लेकिन सैद्धांतिक धर्म के रूप में तो वो यहाँ गंगा जी का ही अंतिम यात्रा करना चाहेगा कि भाई मेरी बॉडी भी गंगा में ही स्नान करे, ये एक स्वाभाविक सी मान्यता है।
लेकिन पॉइंट है हमारा भी सर, इसका एक दुरुपयोग भी बहुत बड़ा होता है, और दुरुपयोग ये होता है कि भारत में जितने जासूस आते हैं वो सब हिंदू बनकर आते हैं। हाँ। अब इसका कैसे सलूशन निकले, क्योंकि अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है भारत के अंदर। आप ये लव जिहाद वाला विषय जो देख रहे होंगे वो बहुत भयंकर चल रहा है। क्या है, कलावा बांध के लड़के घूमते हैं, तिलक लगाकर घूमते हैं, लड़कियों से संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद विवाह कर लेते हैं, फिर वो 10 वर्ष बाद जब उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तब बताते हैं कि मैं मुसलमान था और तुमको भी होना पड़ेगा। ये तो नई बात नहीं, ये तो बरसों से मैं सोच रहा हूँ कि चल रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ, उस पर आज की सरकारें दूसरे मूड की हैं। 2014 के बाद जो सरकार भारत में बैठी वो इन इश्यूज को एड्रेस कर रही है, पहले कभी एड्रेस नहीं हुए ये इश्यू, अब एड्रेस कर रही है। अब यहाँ पर धर्मांतरण के कानून बना दिए गए हैं, यहाँ पर धर्मांतरण करके विवाह रोकने के कानून बन गए हैं बहुत सारे प्रदेश जहाँ बीजेपी का शासन चल रहा है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमने कठोर कानून बनाया उत्तर प्रदेश में कि भाई इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसको सही से एड्रेस किया जाए, ऐसा फ्रॉड करने वाले, फोर्जरी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान से यहाँ पर स्पाइस मतलब वो जासूस आते हैं वो भी हिंदू बनकर आते हैं सर, बहुत कुछ रट रटा कर आते हैं, वेद पुराण के नाम याद करके आते हैं। हो सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू उतना ना जानता हो जितना वो बना हुआ जानता है। मैं आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल, ये है भी, मैं देख भी रहा हूँ, सुना भी है मैंने सोशल मीडिया में और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी माइनॉरिटी इतनी कम है, हम आपस में इतने हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल जानते हैं, एक दूसरे के हम रिश्तेदार लगते हैं, और हमारी कम्युनिटियां हैं यहाँ पे, और उन्हीं से ही ये वहाँ हम लिख के देते हैं कि ये जो जाएगा इसकी बिल्कुल पक्का है हमें कि ये बिल्कुल हमारा अफगान है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है इतनी छोटी है कि हम अपने आप में गिन लेते हैं कि भाई ये कौन है, किसका लगता है, किसका नहीं लगता है। ऐसी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए मैं आप पर भी विश्वास क्यों करूँ? आपसे हमारा संपर्क है, मैं आप पर विश्वास क्यों करूं कि मैं कैसे जानूं कि आप बिल्कुल निष्ठावान हैं? हम तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही कॉन्टेक्ट करेंगे ना, मतलब सरकार तो सरकार से ही सिक्योरिटी मांगेगी, श्योरिटी जो देगी, जहां जिस कंट्री से आप वीजा मांग रहे हो वो कंट्री श्योरिटी देगा, ठीक है। तो वो कंट्री अगर मतलब पीछे हट रहा है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कहेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आपने वीजा दिया, आपने बुलाया, आप जानो वो जाने, हमसे क्या लेने देना है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और बिल्कुल लॉजिक भी है इसमें, पूरा लॉजिक है, मैं इसको डिनाय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये भी हकीकत है कि यहाँ पे हम लोग जो है सारे तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि इसको पक्का करके देखना पड़ेगा कि भाई हाँ ये है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वीजा लेना चाहता है अगर उसको हम जाके एक एक आदमी भी बोलेगा कि भाई आप मुझे लिख के दो, तो हम वहाँ किसी से लिखवा के भी ला सकते हैं। फिर मैं आता हूँ आपकी बात पर कि वहाँ के गवर्नमेंट के पास जाके, वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाके वहाँ से हम बात करें तो उसी बात पे आ जाते हैं। तो हम ये ट्राई ज़रूर करेंगे, अपनी कम्युनिटी को बताएंगे आगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो एक सोल्यूशन तो आपने ये बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर भी अपनी बात पे अड़ा रहूंगा। असल में जब मैंने आपको पहले बताया कि 300 साल पहले हो या 400 साल पहले या 200 साल पहले या इवन जब पार्टीशन हुआ था, हम लोग तो भारत से बिलोंग करते हैं, हमारा ओरिजिन भारत है, तो हम चाहते हैं कि हमें एज अ भारत ओरिजिन माना जाए और हमें जो बाहर रह रहे हैं हमें OIC कार्ड दिया जाए। हम इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि OIC कार्ड YC कार्ड देने में भारत सरकार को कोई समस्या नहीं है, आपके एविडेंस चाहिए होते हैं, हमें इंडियन ओरिजिन है ये इसका एविडेंस चाहिए होता है। अगर जिस दिन वो मिल जाता है या जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके द्वारा और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो हमारे मापदंडों के अनुसार जो मैं बार बार कंसर्न करता हूँ कि आप अगर ये कह देंगे कि मेरे पास एक कागज है किसी पंडित का और मेरी जन्म कुंडली वहाँ देखिए हरिद्वार में बनी हुई है, तो ये सर आज के आधुनिक एविडेंस नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है। हमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ तक कि मैं वोट डालने जाता हूँ सर, तो मैं सब दुनिया जान रही है, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले जानते हैं, कैंडिडेट जिसको वोट डालना है वो भी जानता है मुझे, लेकिन फिर भी वोटर आईडी कार्ड चाहिए। सॉरी सर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा,
जब आप ये बात करते हैं कि आप अगर 300 साल 350 साल पुराने जो पंडित हैं हमारे हरिद्वार में, हमारी सब रजिस्ट्री वहां पे हुई है कि कौन कौन किसने कहाँ जन्म लिया है, जो वहां पड़ी है, आप उसको नहीं मानते क्योंकि ये आप बोलते नहीं है, चलो इसको रख देते हैं इधर। तो फिर आप मुझे बताइए, आज से 100 साल पहले इंडिया में या हमारे शिकारपुर में या उस समय वहां पे कौन सा कंप्यूटराइज था, किसको पता था कि वो चीजें अब यहाँ है, वो हम कहाँ से ढूंढ के लाए आज से 100 साल पहले? मैं अपने दादा के जायदाद या अपने एविडेंस वहां से कैसे लेके आऊँ? कुछ रजिस्टर वहां कुछ कहाँ होगा? अब तो नहीं पाकिस्तान सर, में रह गया। परिवार रजिस्टर सबके हैं, पुराने रिकॉर्ड्स परिवार रजिस्टर के सबके मिलते हैं। पाकिस्तान में आपका कोई नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ रहता है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ रहता है, और जहाँ जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे, मतलब वहाँ अफगानिस्तान पहुँचे या जो भी हुआ, तो वो सीरियल मिल जाता है, वहाँ से मिलता है। पाकिस्तान कहाँ जाए हम? मैं एज अ अफगानी, एज अ जर्मन, मैं कैसे अगर जाऊँ भी तो वहाँ कहाँ? सर हमने कॉमन आर्काइव बनाई हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जिस जगह का विभाजन हुआ है उस आर्काइव में उसके डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, और उन आर्काइव्स को दोनों को एक्सेस करने का अधिकार दिया हुआ है। अच्छा, तो मुझे लगता है फिर हाँ, कॉमन आर्काइव्स हमने उस समय बनाई थी और उसके फिर कॉपी करके हमने इंडिया की आर्काइव्स में और पाकिस्तान अपने पास आर्काइव में रखे हुए हैं। वो उतनी मशक्कत तो सर करनी पड़ेगी, ढूंढना तो पड़ेगा। देखिए आप इशू समझिए, इशू ये है कि अगर आप वाकई में जेन्युइन नहीं है, केवल आप बात कर रहे हैं, तो हम कैसे झेलेंगे आपको? लेकिन ये भी तो एक तथ्य है कि हम गए हैं, हम प्रताड़ित हुए हैं, हम वहां से हमने पलायन किया है। तब तो आपकी बात को मैं मानूं कैसे? ये तो हमारी हिस्ट्री बता रही है, लोगों ने किताबें हिस्ट्री नहीं लिखी चाहिए। इसके ऊपर तो हमें हिस्ट्री तो नहीं चाहिए, हमें कोर्ट में स्वीकार्य एविडेंस चाहिए एज पर एविडेंस एक्ट, जो कानून मानता है। एविडेंस एक्ट हमारे पास बना हुआ है, उस एविडेंस एक्ट के अनुसार जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में एक्सेप्टेबल है वो उस लेवल का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एक बात और है, अब जब आप जब हम मैंने कोशिश की है वहां पे, जो एविडेंस मैंने आपको दिखाए भी थे, हम पर्सनली मिले थे, लेकिन आपने वही बताया था कि अब देखिए उसमें क्या है कि मैंने ऐसे नहीं कि वहां से निकाल के मैंने रख दिए, मैं तो नोटरी में गया, उसको उसको भी मैंने पूरा उसको मान्यता मिली नोटरी में, उसका उसको प्रूफ किया कि भाई हाँ ये एविडेंस जो है असली हैं, वहां के लिखे हुए हैं। नहीं सर, नोटरी कुछ नहीं होता, नोटरी का एविडेंस सिर्फ इतना है कि जो आपने सबमिट किया वो मैंने देख लिया, नोटरी क्रॉस वेरीफाई नहीं करता कभी। नोटरी का मतलब ये होता है कि आप शपथ पूर्वक कह रहे हैं, मेरे सामने आपने शपथ ली और आप शपथ पूर्वक कह रहे हैं मैं उसको नोटरीफाई कर दूंगा, बस इसके अलावा कोई उसका मतलब नहीं होता। तो नोटरी जज नहीं है, नोटरी कोर्ट भी नहीं है, नोटरी एक वकील है जो आपकी ओथ जो आपने ली है उस ओथ को वो अपने सामने दिलवाता है और कहता है कि मेरे सामने इन्होंने ये कहा और ये इनकी आइडेंटिटी है, बस। तो ये तो एक ऐसा है कि इस जो कानून बना हुआ है, आप जो कह रहे हैं मैं उसको समझ रहा हूँ, तो कानून ये बना हुआ है, संविधान ये बना हुआ है, हमें संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जाके हमारी प्रॉब्लम को, जो ये तथ्य है कि हम गए थे, कोई ना कोई तो गया था, हम तो देखिए हमारे नामों से पता चलता है, हमारे नाम है छाबड़िया, हमारे नाम है कपूर, हम कहाँ गए तो सर नाम मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारा गड़बड़ चलता है। ये देखिए एविडेंस नहीं है सर, ये देखिए आपने बताया कि मेरे तो मैं कहानी मेरे पास एक है, मैं कौन सी स्टोरी बता रहा हूँ, वो एविडेंस नहीं है ना सर। लेकिन कहीं एविडेंस एविडेंस का अगर हमें कोई सोर्स पता हो कि ये है सोर्स, जाओ लेके आओ तो मैं लेके भी आऊँ, लेकिन जब वो जगह ही नहीं रही, वो एरिया ही नहीं रहा, मैं पाकिस्तान में जाके कहाँ ढूंढूं अपना एविडेंस, वो भी आज से 150 साल पुराना। सर दूसरी गलती आपने जो की वो ये है कि हमने भारत में सिटीजनशिप एक्ट में या संविधान में जो सिटीजनशिप दी उसमें ये कहा है द पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर वो भारत का नागरिक था तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब आपको 1935 का वो डॉक्यूमेंट तो ढूंढना ही पड़ेगा कि भाई मैं नागरिक था।